प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने किया था कुछ परिवर्तनों के बारे में कि हम कौन कौन से परिवर्तन कुछ करना चाहेंगे, और आपको एक होमवर्क दिया गया था कि आप अपनी मर्जी से अपने चारों ओर अपने हर रोज़ की ज़िंदगी में कौन कौन से परिवर्तन करना चाहते हैं वो एक नोटबुक पर नोट कीजिएगा। हो सकता है, मुझे आशा है आप में से अधिकतर बच्चों ने किया होगा। जिन्होंने नहीं किया है उनसे मैं पुनः आग्रह करता हूँ कि वो कर लें, कि आप कौन कौन से परिवर्तन अपने मन से करना चाहते हैं कि हर रोज़ की ज़िंदगी में मेरे ये परिवर्तन होने चाहिए या आगे के भविष्य में ऐसे परिवर्तन होने चाहिए, या विद्यालय में ऐसे परिवर्तन होने चाहिए, घर में ऐसे परिवर्तन होने चाहिए। उन परिवर्तनों को आप अपनी नोटबुक में ज़रूर लिखेंगे। देखिए बेटा, जो परिवर्तन है वो हमने उदाहरण लेके देखे थे कि कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो वापस हो सकते हैं और कुछ ऐसे परिवर्तन हैं जो वापस नहीं हो सकते। जैसे हम क्ले लें, मिट्टी लें, उससे कोई खिलौना बनाएं, गीली मिट्टी को वापस भी उस खिलौने को वापस मिट्टी में आप उस खिलौने को उसके आकार को बदल सकते हैं, ये परिवर्तन बदला जा सकता है। आप एक कागज़ को मोड़ सकते हैं फिर वापस उसको वापस वैसा ही कर सकते हैं, ये परिवर्तन बदला जा सकता है। यदि हम कागज़ को काट दें तो वो परिवर्तन दोबारा मतलब नहीं बदला जा सकता। अगर आप अपनी पेंसिल से कुछ लिखते रहते हैं और वो पेंसिल घिस घिस कर छोटी हो जाती है, यानी परिवर्तन हो जाता है, तो वो परिवर्तन आप दोबारा उसको नहीं बदल सकते। इसी प्रकार से यदि मिट्टी से आपने देखा है कि बर्तन बनाए जाते हैं, आपने देखा होगा, और वो बर्तनों को यदि गीले बर्तनों को बिना पकाए उनको दोबारा हम मिट्टी में बदल सकते हैं, लेकिन यदि उन्हीं बर्तनों को आग में पका दिया जाए तो आप दोबारा उसको नहीं परिवर्तित कर सकते। एक मोमबत्ती जल जाती है, उसका आकार छोटा हो जाता है, तो हम दोबारा उसको वापस उसी आकार में परिवर्तित नहीं कर सकते। तो ये सभी परिवर्तन, मतलब हमने इन सभी परिवर्तनों को दो भागों में विभाजित कर दिया, एक वो जो वापस हो सकते हैं, एक वो जो वापस नहीं हो सकते। तो इन दोनों परिवर्तनों को हमने नाम दिया है उत्क्रमित परिवर्तन, यानी उत्क्रमणीय परिवर्तन, उत्क्रमणीय परिवर्तन, कौन से होते हैं जिनका हम विपरीत कर सकते हैं, वापिस कर सकते हैं, पूर्व स्थिति में ला सकते हैं। तो ऐसे परिवर्तन आप जो है अपनी मर्जी से अपनी भाषा को लिखिए, जरूरी नहीं है जो आपको यहां बताई जाए वही लिखनी है। देखो, जो वापिस हो सकते हैं वो परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन है, तो आप लिख सकते हैं कि जिन परिवर्तनों को हम वापिस उसी स्थिति में ला सकते हैं, जिन परिवर्तनों को हम पूर्व स्थिति में ला सकते हैं, जिन परिवर्तनों को हम वापस पहले वाली स्थिति में ला सकते हैं। आप ऐसे अपनी भाषा का चुनाव कर सकते हैं। तो या जिन परिवर्तनों को हम पूर्व स्थिति में ला सकते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन। तो आप अपनी भाषा का चुनाव कीजिए, उससे पता लगता है कि आपको कितना समझ में आ रहा है। ऐसे परिवर्तन जिनको हम वापस पूर्व स्थिति में ला सकते हैं, वापस पूर्व स्थिति में ला सकते हैं, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कागज का मोड़ना, स्प्रिंग खींचना,
आप और भी परिवर्तनों के बारे में सोच सकते हैं, दो मैंने लिखे हैं, तो ऐसे परिवर्तनों को उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। दूसरे होते हैं अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, यानी जिनको हम वापस नहीं कर सकते वो अनुत्क्रमणीय है, ऐसे परिवर्तन जिनको हम पूर्व स्थिति में नहीं ला सकते, जिनको हम पूर्व स्थिति यानी पहले वाली स्थिति में नहीं ला सकते, ला सकते अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे कागज का जलना, का जलना, कागज का काटना, लकड़ी का काटना, मोमबत्ती का जलना, ये सब क्या है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। रोटी का पकना, वापिस आटे में नहीं बदली जा सकती, ये सब क्या है? अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है जिनका वापिस पूर्ववत स्थिति में नहीं आ सकते, इनको हम अनुत्क्रमणीय परिवर्तन करते हैं। परिवर्तन के बच्चों बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपकी बुक के अंदर एक 6.1 सारणी दे रखी है, उस सारणी को भी आप करेंगे, उसमें बताएंगे कि इनको उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं। मैं आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन आपको ये ज़रूर बता देता हूं, जैसे कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा प्राप्त करना, तो क्या ये इसको उत्क्रमित कर सकते हैं या नहीं। गाढ़े गोल से इडली बनाना, गीले कपड़े से सूखे कपड़े या सूखे से गीले कपड़े, ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, अनाज से बनाया गया आटा, ठंडे दूध से गर्म दूध, सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, यानी कि सीधी डोरी हो, जैसे ये डोरी सीधी है, सीधी डोरी से कुंडलित डोरी यानी कुंडलित करके, क्या इसको वापस किया जा सकता है या नहीं। इस प्रकार से इन परिवर्तनों के बहुत सारे परिवर्तन दे रखे हैं। इनके बारे में आपने यहाँ पे कली से फूल बनना, दूध से पनीर, गाय के गोबर से बायोगैस, खींचे रबड़ के सामान्य साइज से रबड़ बैंड, जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम, आपने इनको ये बहुत सारे उदाहरण दे दिए हैं। इनमें से आपने ये बताना है कि किन को हम उत्क्रमित कर सकते हैं, किन को हम उत्क्रमित नहीं कर सकते हैं, ऐसे परिवर्तनों के बारे में आपने बताना है। इसके अलावा आपने और भी कुछ ऐसे परिवर्तन सोचने हैं कि किन परिवर्तनों को हम उत्क्रमित कर सकते हैं और किन को नहीं कर सकते। आप ऐसे 10 उत्क्रमित कर सकने वाले परिवर्तन और 10 ऐसे परिवर्तन जिनको हम उत्क्रमित नहीं कर सकते, इनकी सूची बनाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करते रहें।